इस लेक्चर कलेक्शन में हम क्वांटम मैकेनिक्स का ज्येष्ठ टेनियर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का जो पहला क्वेश्चन जो प्रॉब्लम नंबर वन है वो है ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन द स्टेट साई, जो साई स्टेट हमें गिवेन है वो है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिट समेशन है रूट अंडर वन डिवाइड रूट अंडर ऑफ एन फैक्टर एन एन केट, वायर एन केट इज द नॉर्मलाइजेशन एनर्जी आइगेन स्टेट विथ आइगेन वैल्यू एन प्लस ऑफ एच का नोमेगा। लेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द स्टेट साई एक्सप्रेस एज ए हाफ अल्फा थ्री बाई टू एफ अल्फा हाफ अल्फा एच का नोमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसका अल्फा जो वैल्यू क्या होगा वो जीरो 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 तक से नाइन 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 तक होने वाला है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 0003। ओके वो आप कैसे होगा, पहले तो हम हैमिल्टन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, जो हम ले लेते हैं जो आंसर है ये जो हैमिल्टोनियन है इसका जो हैमिल्टन है इसका हम एक्सप्रेशन वैल्यू लेंगे वो जो होगा उस ऐसे होगा साई एच साई। नाउ जो आएगा उसका वैल्यू वन डिवाइडेड एन फैक्टोरियल समेशन इनफिनिट एन इक्वल टू जीरो एन प्लस हाफ एच का ओमेगा। दो ए फंक्शन से ऑपरेट होगी एंड दो ए फंक्शन में ऑपरेट होने के बाद जो मिलेगा वो ये मिलेगा। ओके ये है इन्फिनिट एन इक्वल टू जीरो रूट ओवर एन फैक्टर ए जो है एन ए जो है जब इस साई ऊपर साई के ऊपर एक्ट करेंगे ए जो साई के ऊपर एक्ट करेंगे तब इसका एन प्लस हाफ एच करोगे निकल आएगा एवं एंड उसका साई एवं इसके साई के साथ अल्टीमेटली मर्ज होगा। सो ये जो होगा इस जो होगा अल्टीमेटली जो होगा इन फैक्टर एच का ओमेगा इक्वल टू थ्री डिवाइडेड टू एच का ओमेगा। इसको पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, पहले तो एन इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल टू जीरो को हम सेपरेट कर लिया एंड एन इक्वल टू वन से इन्फिनिट तक इस एक्स पार्ट में हम सेपरेट कर लिया जिसका वैल्यू एन इक्वल टू वन। देन हम इस समेशन को हम निकालेंगे, ये तो हाफ होगा एंड एन फैक्ट एन डिवाइडेड एन फैक्टर उसका जो समेशन होगा वो ई होता है एंड थ्री बाई टू एच का ओमेगा। सो आंसर होगा 0003। ओके प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।